नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट साइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं देओल परिवार को लेकर। देओल परिवार के सदस्य हेमा मालिनी, ईशा देओल, भरत अख्तानी और धर्मेंद्र इन दिनों चर्चा का कारण बने हुए हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देओल परिवार जो है इन दिनों खूब चर्चा में है, क्योंकि उनकी लाडली बेटी ईशा देओल ने सेपरेशन की खबर की अनाउंसमेंट कर दी है। मगर अब ऐसे में अपने दामाद पर फूटा है गुस्सा हेमा मालिनी का, तो वहीं अपनी बेटी का सपोर्ट उन्होंने किया। और दूसरी ओर धर्मेंद्र जहां पर अपनी बेटी को समझा रहे हैं, तो दामाद का सपोर्ट वो कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है हेमा और ईशा के खिलाफ धर्मेंद्र जा रहे हैं, और जो है भरत अख्तानी, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भरत अख्तानी से काफी गुस्सा है हेमा मालिनी। आपको ये जानकारी दे दें कि जब ईशा देओल और भरत अख्तानी की शादी होने वाली थी, या 12 साल पहले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तब जो है भरत अख्तानी का प्यार ईशा के लिए एक अलग परवान पर था। बताया जाता है परिवार वालों से बातचीत की कि वो ईशा से शादी करना चाहते हैं, और जो है देओल परिवार को समझाया, धर्मेंद्र को समझाया, हेमा मालिनी को समझाया। तो वही 12 साल के बाद जिस तरह से भरत अख्तानी ईशा देओल को धोखा दे रहे थे, सरेआम भरत अख्तानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आया जिससे हर एक शख्स हैरान हो गया, तो कहीं ना कहीं हेमा मालिनी का गुस्सा भी फूटना लाजमी है अपनी बेटी के लिए। मगर धर्मेंद्र चाहते हैं कि भाई ईशा देओल एक बारी आधिकारिक कोर्ट तक जाने से पहले, भरत से अलग होने से पहले एक बारी जरूर सोचे इस मामले पर। आप देखिए किस तरह से देओल परिवार में फूट पड़ चुकी है, किस तरह से देओल परिवार के सदस्य जो हैं कहीं ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं भरत अख्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला आप देखिए हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल पिछले काफी वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई है। दरअसल एक्ट्रेस शादी के 11 साल के बाद पति से तलाक ले चुकी है। अब ऐसे में ये तो आप सभी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सेपरेशन की खबरें सोशल मीडिया पर तहलका मचाती हुई भी दिखाई पड़ी। तो ऐसे में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लाडली ईशा देओल की इस वक्त लाइफ बुरे दौर से गुजर रही है। दरअसल एक्ट्रेस शादी के 11 साल के बाद अपने पति भरत अख्तानी से तलाक लेकर अलग होने जा रही है। बेटी के इस फैसले में अब उनकी माँ उनके सपोर्ट में है। तो वहीं हैरानी की बात यह है कि जहां पर हेमा मालिनी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो वहीं पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते हैं कि ईशा और भरत का तलाक हो जाए। ऐसे में आपको जानकारी दे दे कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की यही जो प्लानिंग है कि ईशा देओल जो है किसी तरीके से एक बारी भरत तख्तानी से बैठ के बात करें, चीज़ों को समझें और जो है कहीं ना कहीं जो है तलाक ना लें। और ऐसे में हेमा मालिनी बताया जा रहा है कि अपनी बेटी के पूरे सपोर्ट में है, यानी कि देओल परिवार के दो हिस्से, दो टुकड़े हो चुके हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा। दरअसल हाल ही में एक सूत्र ने जून से बात करते हुए एक खुलासा किया है कि ये सभी काफी वक्त से चल रहा था। ईशा और उनके पति ने कुछ वक्त पहले ही अलग होने का फैसला लिया था, बस वो सही समय का इंतजार कर रहे थे इस बात का घोषणा करने के लिए। सूत्रों ने कहा कि ईशा इस चीज से बाहर निकल रही है, वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही है। जूम की रिपोर्ट के अनुसार ये भी सामने आया कि ईशा देओल कि इस फैसले से उनकी माँ हेमा मालिनी उनके साथ है। हालांकि अभी वो इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाह रही हैं। तो वहीं पिता धर्मेंद्र जो हैं ईशा के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि धर्मेंद्र जो हैं कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ईशा अपने इस फैसले के बारे में थोड़ा सोचे। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि ईशा देओल और भरत अख्तानी ने साल 2012 में 7 फेरे लिए थे। वो कुछ सालों तक अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश रहीं। शादी के बाद ये कपल दोनों बेटियों के पेरेंट्स भी बने, मगर ईशा देओल ने भरत अख्तानी से अलग होने का फैसला ले लिया। वर्क प्रिंट की बात की जाए तो ईशा अभी भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। काफ़ी बार उन्हें सुनील शेट्टी
के साथ जो है एक बारी लास्ट अगर उनकी वेब सीरीज की बात की जाए तो हंटर में उन्हें देखा गया था। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ईशा देओल का ये जो रिश्ता है भरत तख्तानी के साथ जो अलग हो गया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर यानी कि अभी जो है बताया जा रहा है कि कोर्ट तक एक ऑफिशियली तलाक अभी नहीं हुआ है, वैसे अभी इन्होंने सेपरेट होने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र चाह रहे हैं कि वो अपने इस डिसीजन के बारे में थोड़ा सोचें। धर्मेंद्र का कहना है कि वो अभी थोड़ा सोचें कि जो है वो थोड़ा सोचें इस बारे में, क्योंकि शादी एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है, एक पिता होने के नाते धर्मेंद्र अपनी जगह पर सही हैं, मगर कहते हैं ना कि जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और चीज़ें जब ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तो उस रिश्ते में रहकर भी क्या फ़ायदा। आपको बता दें कि ईशा देओल जो है भरत तख्तानी से अलग अब हेमा मालिनी के घर पर आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी के साथ अब अपनी बेटियों संग भी वो रह रही हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि अब ऐसा साफ देखा जा रहा है कि देओल परिवार जो है कहीं ना कहीं टुकड़ों में बट चुका है। लगातार सोशल मीडिया पर एक तरफ देखा जा रहा है कि जहां पर हेमा मालिनी बेटी के सपोर्ट पे उतरी है तो वही धर्मेंद्र बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भरत तख्तानी का साथ दे रहे हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।